नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अभिषेक जैन में। दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो डेप्थ परसेप्शन टेस्ट वाले जो होते हैं उसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो हमारा आता है ईंटों वाले और एक आता है हमारे क्यूब वाले। तो दोस्तों अब हम ईंटों वाले क्वेश्चन के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि इस पूरे टॉपिक को मैं दो वीडियोज़ में कवर करूंगा दोस्तों। तो पहली वीडियोज़ में मैंने आपको जो है इसके कुछ नियम बताए थे दोस्तों, जो इसके कुछ नियम होते हैं करीबन आपको मैंने 5 से 6 नियम लिखाए थे दोस्तों, जो कि आपको मुझे ध्यान है कि अच्छे से याद होंगे। क्वेश्चन जो इसमें आते हैं मैंने आपको बताया था कि इसमें कुल जो हमारे हैं 50 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन आते हैं। और आपको 50 क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों 5 मिनट का टाइम मिलता है। और ये 50 क्वेश्चन है जो आपके 5 सेट में बटे हुए होते हैं, ठीक है, 5 सेट में आपके बटे हुए होते हैं। तो आपको इस तरह से कुछ करना होता है दोस्तों। मैं आपको एक बार जो नियम थे वो फिर से आपको एक बार बताना चाहता हूँ। तो आपको करना क्या है, जल्दी से आप इसका इस नियमों का स्नैपशॉट ले लीजिए, ठीक है। पहला नियम क्या है हमारा, सभी ईंटें समान होते हैं, मतलब एक ईंट जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी हर जगह से बराबर होती है, किसी भी ईंट का कोई भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में फर्क नहीं होता। दूसरा से हमारा नियम कहता है कि ईंट के फ्लैट सर्फेस एरिया को स्पर्श माना जाएगा, मतलब जो ईंट का फ्लैट सर्फेस एरिया है सिर्फ और सिर्फ मैं उसी को टच मानूंगा दोस्तों, मैं किसी और टी जो इसका कॉर्नर है उसको टच नहीं मानूंगा। चौथे नियम कहता है किसी भी ईंट की लाइन दूसरी ईंट की लाइन के समांतर होती है, मतलब एक ईंट की जो एक लाइन है वो दूसरी ईंट के समांतर होती है। पांचवा नियम है एक ईंट कम से कम दो ईंटों को स्पर्श करेगा, मैक्सिमम कितनी भी ईंटें हो सकती है, मतलब एक ईंट को तो टच करेगा ही करेगा, ज्यादा ज्यादा वो कितने भी ईंटों को टच कर सकता है, सारी ईंटों को टच करे वो उसके ऊपर है। नेक्स्ट हमारे किसी भी ईंट में न्यूनतम एक भाग दिखाई देगा और अधिकतम 3 भाग, तो किसी भी ईंट में ज्यादा ज्यादा एक भाग दिखाई देगा और उसके बाद कितने भी भाग, एक भाग तो दिखाई देना ही देना है, उससे ज्यादा 3 भाग दिखाई देंगे, इससे ज्यादा नहीं दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। अब हम अपने जो फटाफट से आते हैं क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सो ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है 10 सेट, आज हम आज की वीडियो में 10 सेट करने वाले हैं और जल्दी जल्दी हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी कि उनको कर सके। तो ठीक है दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ए ईंट कितनी अन्य ईंटों को स्पर्श करती है। देखिए एक दो, इन दो को टच करेगी, 3 4, तो ये इन 4 ईंटों को स्पर्श कर रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं बी नंबर की जो ईंट है वो कितनी ईंटों को स्पर्श करती है। देखिए 1 2 3 4, अभी ईंट इस तरीके से है तो इसको भी टच कर रही है, इसका मतलब 5 ईंटों को स्पर्श करती है, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि सी कितनी ईंटों को स्पर्श कर रही है। सी देखिए 1 2, ठीक है, 3 और ये 4, बी को टच नहीं करेगी, बी का सिर्फ कॉर्नर टच हो रहा है, ठीक है, तो 4 हो गया। नेक्स्ट हमारा डी ईंट कितनी ईंटों को करती है स्पर्श, 1 2 और ये 3, 3 ईंटों को स्पर्श कर रही है, ठीक है। अगला हमारा ई है 1 2 3 4 5, तो ई का आंसर हो गया हमारा 5, ठीक है। नेक्स्ट हम जल्दी से देखते हैं हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन, देखिए कितने सेकंडों में अपन आंसर कर रहे हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है। ई वाला जो हम ऑप्शन देखते हैं, जल्दी जल्दी कोशिश कीजिए करने की इसको। पहला देखते हैं 1 2 3, 3 को टच कर रहा है, इसका आंसर क्या हो गया 3। बी की तरफ फटाफट से आगे बढ़ते हैं 1 2 3 4, 4 को तो इस तरीके से टच कर रहा है। अभी जैसे ही आगे जाता है दोस्तों, ठीक है, तो इस ईंट को भी तो टच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है, क्लियर आपको समझ आ रहा होगा। सी का देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6, तो सी कितनी ईंटों को स्पर्श करता है दोस्तों, सी 6 ईंटों को स्पर्श करता है। डी की बात करते हैं, देखिए 1 2 3 4, अभी जैसे ही आगे जाएगा, ठीक है दोस्तों, अगर ये आगे की तरफ बढ़ रहा है तो ये इस ईंट को भी तो स्पर्श करेगा, इसका मतलब हो गया हमारा 5, डी 5 ईंटों को स्पर्श कर रहा है। ई की बात करते हैं 1 2, ठीक है ये इधर तक है तो ये 3 और 4 को भी स्पर्श करेगा और ये 5 इसको, मतलब टोटल जो ई हमारा 5 ईंटों को स्पर्श करता है, ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा ना जो मैं समझा रहा हूँ आपको, आपको लिखते रहना है, ठीक है, कितनी ईंटों को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन जो करते हैं फटाफट से करने की कोशिश करते हैं। पहला ये देखिए 1 2 3 4, तो ए हमारी 4 ईंटों को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बी हमारा कितनी ईंटों को स्पर्श करता है, तो एक तो ये है 1 और 1 ये 2, तो बी सिर्फ हमारी 2 ईंटों को ही स्पर्श करता है। सी है, सी हमारा कितनी ईंटों को स्पर्श करता है, एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, तो सी हमारा सिर्फ 3 ईंटों को स्पर्श कर रहा है, अन्य ईंटों को स्पर्श नहीं कर रहा। डी की बात करते हैं, ये देखिए 1 2 3, 3 ईंटें तो ये हो गई, चौथे नंबर की ईंट ये हो गई, तो डी हमारा जो है 4 ईंटों को स्पर्श कर रहा है। ई की बात करें 1 2 3 4, तो ई भी हमारा 4 ईंटों को स्पर्श करता है, अन्य ईंटों को स्पर्श नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए यहाँ जो हमारा फोर्थ नंबर का जो हम करने की करते हैं फटाफट से, फोर्थ नंबर का जो ए है देखिए कितनी ईंटों को स्पर्श करता है, 1 2 3 4, अभी 4 ईंटों को तो सीधा सीधा स्पर्श कर रहा है, ठीक है, कहाँ ऐसा, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये, अब देखिए कि ये सीधे सीधे कैसे जा रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है, सीधे सीधे आगे बढ़ रहा है ये, तो क्या अब ये किसी और ईंट को भी स्पर्श करेगा, ठीक है। दोबारा से देखिए
एक ईंट तो ये सीधे सीधे गई, ठीक है। दूसरी हमारी ईंट क्या है, ये ईंट है। अब देखिए ये ईंट खड़ी है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कोई और ईंट भी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक और ईंट होगी, तो ये इस ईंट को भी टच करेगा, दो तीन, ये एक दो तीन चार, और यहाँ पे जो एक ईंट होगी उसको भी टच करेगा, पाँच, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ना, ये जो पूरी इतनी है, इसमें एक में दो ईंट आएगी खड़ी खड़ी। अब अगर इसने इतनी ईंट यहाँ खड़ी कर दी, तो यहाँ भी एक ईंट होगी जो खड़ी हुई होगी हमारी, ठीक है। देखिए एक ईंट तो जो है हमारी यहाँ खड़ी है इस तरीके से, तो दूसरी ईंट दोस्तों वहाँ खड़ी होगी जरूर, और ये इस तरीके से जा रहे, तो ईंट इस ईंट को टच कैसे नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है। अगर ऐसे तो टच करेगा, इसका मतलब जो ए है हमारी, पांच ईंटों को कुल मिला के पांच। यही जो है, इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं जो कुछ कठिन होते हैं, तो आपको वही क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा ए हो गया। अब हम देखते हैं हमारा जो बी है वो कितनी अन्य ईंटों को स्पर्श करता है, ठीक है। ये देखिए बी सीधी रखी है, तो मतलब एक दो तीन को तो टच करा, अभी चौथी यहाँ रखी है उसको भी स्पर्श करा, और पांचवी यहाँ रखी है उसको भी स्पर्श करा, ठीक है। तो कुल मिला के बी ने भी कितनी ईंटों को स्पर्श करा, पांच। अब ये इस ईंट ने क्या है, यहाँ पे ढक दिया, बाकी यहाँ दो अलग है और ये दो अलग है, ठीक है। सी नंबर की ईंट पे अगर हम बात करते हैं, सी नंबर का जो है उस पे देखते हैं टोटल कितनी ईंट है। अब देखिए एक इसको स्पर्श करेगा, ठीक है, दो को स्पर्श करेगा, तीन को स्पर्श करेगा, चार को, ये पांच को स्पर्श करा। अब ये उस तरफ है तो इसको भी स्पर्श करेगा, करेगा कि नहीं करेगा भाई, इसको स्पर्श करेगा, तो कितनी हो गई, एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो सी कुल मिला के हमारी सात ईंटों को स्पर्श करेगा। आप एक बार देख लीजिएगा, जो मैं आपको आंसर बता दूं आप खुद से भी मैच कर सकते हैं कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बताया। अब डी हमारा जो है कितनी ईंटों को स्पर्श करता है, देखिए एक और एक दो तीन चार, ठीक है, चार ईंट है तो ये हमारी सीधी सीधी हो गई। अब जैसे अंदर जाएगा तो इस वाली ईंट को भी टच करेगा, तो पाँच भी, ये जो हिडन है इसको आपको ध्यान रखना है। तो डी जो हमारा पाँच ईंटों को स्पर्श करता है। ई की बात करते हैं, ये देखिए एक और एक दो तीन चार, चार ईंटों को स्पर्श करा और ये पाँच, तो ये हमारा पांच ईंटों को स्पर्श करता है। तो ये थोड़ा वो जो क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन था, इसके लेवल बहुत अच्छा था, और आपको यही देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पांचवें नंबर का देखते हैं, हमारा जो सेट है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा कितनी ईंटों को टच करता है देखते हैं जल्दी से, एक दो तीन, ये हमारा सिर्फ तीन ईंटों को टच करेगा, उसके अलावा किसी और ईंट को स्पर्श नहीं करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो बी वाला है, बी कितनी ईंटों को स्पर्श करता है, एक दो तीन और ये चार, भी चार ईंटों को स्पर्श करता है। सी की बात करते हैं कि सी कितनी ईंटों को स्पर्श करता है, देखिए एक दो तीन चार, तो सी हमारा चार ईंटों को स्पर्श करता है। डी हमारा अब देखते हैं कि डी हमारा कितनी ईंटों को स्पर्श करता है, एक दो तीन, तीन ईंटों को स्पर्श कर रहा है बस, ठीक है। तो इसका आंसर सी जो हमारा है चार ईंटों को स्पर्श करता है। ई की बात करते हैं कि ई कितनी ईंटों को स्पर्श करता है, देखिए एक दो तीन, तो ए भी हमारा सिर्फ और सिर्फ तीन ईंटों को स्पर्श कर रहा है। तो हम इसका फटाफट से मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि ए जो हमारा तीन ईंटों को स्पर्श करता है, बी चार ईंटों को, सी भी चार ईंटों को स्पर्श करता है, डी तीन ईंटों को, और ई भी तीन ईंटों को ही स्पर्श कर रहा है, ठीक है। देखिए कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते जा रहे हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, वही अलग दिमाग लगाना है इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है, जो ऊपर सिंगल एक ईंट रखी है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हमारा पहले नंबर का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहले नंबर क्वेश्चन में कितनी ईंटों को टच करता है ए, देखिए ये यहाँ पर है, एक इसको करेगा, एक इसको करेगा और एक इसको करेगा, तीन ईंटें करेगा। इसके अलावा क्या आपको और कोई सी ईंट दिख रही है इसमें, यहीं बस यहीं गलती हो जाती है हमारी, ठीक है। देखिए चौथी, ठीक है, तो ए जो हमारी है चार अन्य ईंटों को भी स्पर्श करेगा। बी की बात करते हैं कि बी कितनी ईंटों को स्पर्श करता है, एक दो तीन, ठीक है, ये तीसरी ईंटें हो गई, एक दो और तीन ईंटें हो गई। अगली कितनी ईंटों को स्पर्श करता है, बी जो है हमारा वो बी कितनी ईंटों को स्पर्श करता है, जल्दी से हम कर लेते हैं दोस्तों। देखिए पहली ईंट, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, चौथी ईंट और पांचवी ईंट, तो बी हमारा पांच ईंटों को स्पर्श कर रहा है। अगला है जो हमारा सी कितनी ईंटों को स्पर्श करता है, देखिए एक दो तीन चार और पाँच, ठीक है, पाँच अन्य ईंटों को बी ने स्पर्श किया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, छठे नंबर देखते हम कि डी जो है हमारा, डी कितनी ईंटों को टच करता है, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, तो डी का आंसर क्या हो जाएगा, छः ईंटों को स्पर्श करता है डी हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगला ई, ई कितनी ईंटों को स्पर्श करता है, ई देखिए एक दो तीन, इन तीनों ईंटों को टच करा। इसके अलावा क्या किसी और अन्य ईंट को, क्योंकि देखिए ये इसके साथ अंदर चली गई,
ये भी इसके साथ अंदर चली गई और ये भी चली गई, तो इसके अलावा किसी और ईंट को स्पर्श करेगा नहीं, तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ तीन ईंटों को ही स्पर्श करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। सेवन नंबर का अगर हम देखें, ठीक है, देखिए सेवन नंबर का जो हमारा क्या कहता है कि हमारे को कितनी ईंटों को टच कर रहा है, तो पहले नंबर पर हमारा आता है ए, ए कितनी ईंटों को स्पर्श करता है, देखिए पहला क्या है, एक दो तीन, इन ईंटों को तो स्पर्श करेगा ही करेगा। अब देखिए ये इस तरीके से खड़ा हुआ है, ईंट हमारी इस तरीके से खड़ी हुई होगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक है, तो कितनी ईंटों को टच कर लेगा अब आपको देखिए, यहीं जो हमारा पूरा जो खेल हो जाता है कि इसकी कितनी ईंटों को टच करेगा। देखिए फ्लैट सरफेस पे पहली और ये दूसरी ईंट आ गई, ठीक है, अब क्या ये और ये, ये और ये ईंट तो इसको टच करेगा ही नहीं, तीसरी इसने कर लिया, चौथी ईंट ये, पांचवी ईंट ये, तो कुल मिला के कितनी हो गई, पांच ईंट हो गई। ठीक है, सेकंड बात करते हैं हम, बी कितनी ईंटों को स्पर्श करता है, देखिए एक दो तीन, तीन ईंटों को तो इसने ये स्पर्श करा। अब जो ई वाली है ये भी तो ऐसे जाएगी, ठीक है, ई वाली ईंट है जो सीधे सीधे ऐसे जा रही है, तो वो भी बी को स्पर्श करेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा चार। नेक्स्ट हमारा सी है, सी कितनी ईंटों को स्पर्श करता है, देखिए एक, सी जो है हमारा कितनी ईंटों को स्पर्श करता है, एक इसको स्पर्श करेगा, एक इसको स्पर्श करेगा, एक यहाँ पे इसको स्पर्श करेगा और एक बी को स्पर्श करेगा, तो बी चार ईंटों को स्पर्श करता है कुल मिला के। डी की बात करते हैं हम, ये देखिए एक दो तीन चार, और जो नीचे इसके जा रही है पाँच, तो डी हमारा पाँच ईंटों को स्पर्श करता है। ई की बात करते हैं दोस्तों, एक तो इसको स्पर्श करेगा, ठीक है, नेक्स्ट अब ये सीधा सीधा जा रहा है तो इसको भी स्पर्श करेगा, दो इसको भी स्पर्श करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, तो ई हमारा पांच ईंटों को भी स्पर्श करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एट नंबर का, अब बात करते हैं ए कितनी ईंटों को स्पर्श करता है, जल्दी से देख लेते हैं, ये देखिए एक दो तीन और जो नीचे है चार, चार ईंटों को स्पर्श कर रहा है, दिख रहा है आपको सभी को अच्छे से। बी कितनी ईंटों को करता है, देखिए एक दो तीन चार, ठीक है, अभी बीच में कट रहा है ना, तो ये जो बी वाली ईंट है ना वो इसको भी टच कर रही होगी, क्योंकि ये यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रहा है, और इसकी चौड़ाई ये है, तो ये दोनों को टच करेगा, इसका मतलब बी जो है हमारा कुल मिला के छः ईंटों को स्पर्श करेगा। सी की बात करते हैं हम लोग, सी कितनी ईंटों को स्पर्श करता है, देखिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच को स्पर्श कर रहा है, और ये जो यहाँ तक है तो ये इस ईंट को भी स्पर्श करेगा, मतलब छः, तो सी हमारा छः ईंटों को स्पर्श करता है। सात, डी देखते हैं हम, डी कितनी ईंटों को स्पर्श करता है, डी देखिए, डी देखते हैं हम कितनी ईंटों को स्पर्श करता है, डी जो है हमारा एक दो तीन चार पाँच, पाँच ईंटों को स्पर्श कर रहा है अच्छे से, और ये इसको भी करेगा, ठीक है, तो छः ईंटों को देखिए एक दो तीन चार पाँच और ये छः, तो डी हमारा छः ईंटों को स्पर्श करता है। ई की बात करते हैं हम, एक दो तीन चार पाँच छः, तो ई भी छः ईंटों को स्पर्श करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आठ क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझा दिए, और इतनी जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी इतनी ही स्पीड में इतनी ही जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए जो दो क्वेश्चन वो आपको अगेन होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, ठीक है, नेक्स्ट अब आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, और ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, और दोस्तों आपको मुझे कमेंट में बताना है कि ये कितने क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, कितने क्या आंसर आ रहा है, और उसके बेस पे मैं आपको इसका जो पिन करके इसका आंसर की आपको कमेंट बॉक्स में लगा दूंगा। ठीक है दोस्तों, सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों, क्योंकि हम आपके ऊपर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा सारे कंटेंट मिले, अच्छे से अच्छा आपको समझ में आए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने वो लाल वाला बटन नहीं दबाया जिस पर लिखा रहता है सब्सक्राइब, तो दोस्तों उस लाल वाले बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके जाए दोस्तों, इसे हमें प्रोत्साहन मिलता है बहुत ज़्यादा कि आपको हमारा कंटेंट समझ आ रहा है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में डेथ परसेप्शन के सेकेंड टाइप के साथ में। ओके दोस्तों, जब तक के लिए गुड बाय।